तो स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईआईटी के बारे में। पर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आईआईटी मतलब सिर्फ इंजीनियरिंग है और ऐसा ही कुछ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर में भी आपको बहुत सारे कोर्सेज करने के लिए मिल जाते हैं। आज हम लोग आईआईटी के अंदर में देखेंगे कि बीएससी और एमएससी के जो जो कोर्सेज है, वो सब कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने के पहले जो जो स्टूडेंट में नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मतलब जो टॉप 5 आईआईटी है, सॉरी, वो सब आईआईटी के बारे में लिए है। उसके जो कोर्सेज है वो देख लेंगे और कैसे आपको क्या क्या एग्जाम देने हैं वो भी देख लेंगे और कट ऑफ कितने वो भी देख लेंगे। जो पहला आईआईटी है हम लोग का लिस्ट में, आज के लिस्ट में, वो आईआईटी मद्रास है। जो इसके कोर्सेज है वो बीएससी प्लस एमएससी आप कर सकते हैं इन बायोलॉजिकल साइंस, और बीएससी प्लस एमएससी इन फिजिक्स में भी कर सकते हैं। और उसके बाद मतलब ये दो के आपको अगर क्या करना है, एडमिशन लेना है, आपको JEE एडवांस देना पड़ेगा, उसके बेसिस में ये एडमिशन लेते हैं। और जो एमएससी के अंदर कोर्सेज, वो एमएससी इन फिजिक्स कर सकते हैं आप, केमिस्ट्री में भी कर सकते हैं, एमएससी और मैथमेटिक्स में भी कर सकते हैं। और एमएससी के लिए जो मतलब एग्ज़ाम होते हैं वो आईआईटी जेम्स होते हैं, उसके बेसिस में एडमिशन लेते हैं। और इनके जो कट ऑफ है वो मतलब आईआईटी जेम के लिए जो कट ऑफ है 21.70 से लेके 39.86 तक है। और मतलब जो आईआईटी जेम के एग्ज़ाम है वो मार्क्स के बेसिस में है, और JEE एडवांस के जो कट ऑफ है वो बाय रैंक के हिसाब से है। जो JEE एडवांस के जो कट ऑफ है वो 3228 से लेके 8276 के बीच में आ जाते हैं सब कोर्सेज। और जो अगला है वो आईआईटी दिल्ली है। इसके जो कोर्सेज वो एमएससी है सिर्फ इसके अंदर में। इसके जो मतलब एमएससी के अंदर में जो जो कोर्सेज है, जैसे कि आप मैथमेटिक्स में कर सकते हैं, केमिस्ट्री में कर सकते हैं, फिजिक्स में कर सकते हैं। और इसके जो टोटल कोर्स फी है वो 25,000 है मतलब पूरे कोर्सेज के। और जो एग्ज़ाम देना पड़ता है आपको आईआईटी जेम्स देना पड़ता है। और जो इसके कट ऑफ है वो 83 to 124 तक ऐसे जाते हैं। और जो अगला है वो आईआईटी बॉम्बे है, ये भी बहुत एक फेमस है। जो इसके एनआरएफ रैंकिंग है वो 3 है, मतलब जितने सारे आईआईटी लिए है वो फास्ट से लेके टॉप रैंकिंग में है। जो इसके कोर्सेज वो बीएससी में आप कर सकते हैं, मैथमेटिक्स कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं, केमिस्ट्री में कर सकते हैं। और इसके लिए जो आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है वो JEE एडवांस देना पड़ता है। और इसकी जो टोटल फी है वो 8.55 लाख है। और जो मतलब इसके अंदर में जो एमएससी के कोर्सेज है वो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में आप कर सकते हैं, केमिस्ट्री में कर सकते हैं, अप्लाई स्टेटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स में कर सकते हैं, और मैथमेटिक्स में भी कर सकते हैं, और अप्लाइड जियोलॉजी में भी कर सकते हैं। और जो इसके कोर्सेज फ़ी है वो 32.4K है टोटल कोर्सेज फ़ी। तो इसके अंदर में और एक कोर्सेज है जो कि एमएससी इन अप्लाइड जियोफिजिक्स है, आप इसमें भी कर सकते हैं। और जो कट ऑफ देख ले वो आईआईटी जेम के जो 13 से लेके 386 तक है बाय रैंक। और जो JEE एडवांस के जो कट ऑफ है वो 1041 से लेके 5413 तक है, मतलब जितने सारे कोर्सेज वो इसके अंदर में आ जाते हैं कट ऑफ। और जो हमारा फोर्थ नंबर आईआईटी है वो आईआईटी कामरूप है। इसके कोर्सेज वो बीएससी इन इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं आप, फिजिक्स में कर सकते हैं, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग में कर सकते हैं। और जो मतलब बीएससी और कोर्सेज है वो भी बहुत ही अच्छे आप कर सकते हैं, जैसे कि आर्ट साइंस है, केमिस्ट्री है। और जो इसके कोर्सेज फी है मतलब फिजिक्स छोड़ के और बाकी जितने हैं बीएससी के कोर्सेज फी वो 8.27 लाख है टोटल फी। और जो बीएससी इन फिजिक्स में है उसके 8.18 लाख है। और इसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, JEE एडवांस देना पड़ता है, उसके बेसिस में लेते हैं। और जो एमएससी के अंदर में कोर्सेज है वो स्टेटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। और इसके जो फी है वो 33.2K आ जाते हैं इसके पूरा टोटल फी। और इसके लिए आपको आईआईटी जेम एग्ज़ाम देना पड़ता है। और जो कट ऑफ की देखें तो आईआईटी जेम के जो 47 से लेके 113 तक कट ऑफ है बाय रैंक। और JEE एडवांस के जो कट ऑफ है वो 878 से लेके 7418 तक है, मतलब ये सारे कोर्सेज के अंदर आ जाते हैं इधर में, जो जो मैं कोर्सेज बोल रहा हूँ उसके कट ऑफ। और जो हमारा आखिरी आईआईटी है आज के लिस्ट में वो आईआईटी खड़गपुर है। इसके कोर्सेज देख लेंगे, ये बीएससी प्लस एमएससी करवाते हैं, जैसे इंटीग्रेटेड कोर्सेज है, फिजिक्स में करवाते हैं, अप्लाइड जियोलॉजी में करवाते हैं, मैथमेटिक्स में करवाते हैं एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। और इकोनॉमिक्स में भी आप कर सकते हैं, केमिस्ट्री में कर सकते हैं, एक्सप्लोरेशन जियो फिजिक्स में कर सकते हैं, स्टेटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स में भी कर सकते हैं। और ये बीएससी के जो क्या है फ़ी है वो 10.41 लाख है टोटल फ़ी, टोटल 4 इयर्स के लिए। और जो एग्ज़ाम देना पड़ता है आपको JEE एडवांस के लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है इसके लिए। तो अभी इसके अंदर में जो एमएससी के कोर्सेज है वो सब देख लेंगे, जैसे कि न्यूक्लियर मेडिसिन है, मॉलिकुलर मेडिकल
माइक्रोबायोलॉजी है, फिजिक्स है, जियोलॉजी है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, मेडिकल फिजिक्स है, जियो फिजिक्स है, और जो इसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है वो आईआईटी जेम देना पड़ता है। और जो कट ऑफ है, कट ऑफ आईआईटी जेम के जो कट ऑफ है रैंक वाइज 195 से लेके 464 तक है, और जो जेडब्ल्यू एडवांस के कट ऑफ है वो 1301 से लेके 9126 तक जाते हैं। सो थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए, और अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में सो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको ऐसा और कुछ रिलेटेड वीडियो चाहिए सो आप कमेंट करके वो भी बोल सकते हैं, मैं आपके लिए वैसा वीडियो बनाऊँगा, ज़रूर बनाऊँगा। सो थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। सो थैंक यू, टेक केयर। Can I